जय हिंद क्लास 9 स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मोर कंसेप्ट. इन अवर अर्लियर वीडियो आई सेंड यू सम मोर कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स वी ऑलरेडी डिस्कस इन दैट वीडियो. इन दिस वीडियो वी आर अगेन डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोर कंसेप्ट. इन अर्लियर वीडियो आई टोल्ड यू दैट हाउ कैन वी डिफाइन और हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स को किस तरीके से हम इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दो फॉर्मूलाज लिखे हैं, ठीक है. आपके एनसीईआरटी में भी फॉर्मूलाज लिखे होंगे. तो नॉर्मली वो यही है कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इन टर्म ऑफ मास, तो इन टर्म ऑफ मास मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास. मास जो आपको गिवन होगा और उस एटम का मोलर मास भी आपको गिवन होगा. तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ मास. अगर आपने इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करते हैं, पार्टिकल्स में आपके एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या करेगा, एन डिवाइडेड बाय एन ए. आपको एन एन की नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे. आप उसको एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10²³ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो भी आप नंबर ऑफ मोल्स को इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स क्या है डिफाइन कर सकते हैं, ठीक. ये तो हो गए दो फॉर्मूलाज. देन आई हैव रिटन सम स्मॉल ट्रिक हाउ कैन यू रिमेंबर कि हमें किस तरीके से या कौन से मेथड से मोल से मास या मोल से पार्टिकल्स को डिफाइन करना है. सो यहाँ पे मैंने आपको गिवन है, देयर इज अ मोल, देयर इज मास एंड दिस इज पार्टिकल. पार्टिकल में क्या क्या आ सकते हैं, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक. अब अगर हमें मास से मोल्स लेने हैं, यानी कि मास अगर हम दोनों चीज़ें दे रखी हैं, हम मास में से इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं मोल्स में, तो हम क्या करते हैं, गिवन मास को क्या करते हैं, मोलर मास से डिवाइड करते हैं. और अगर हमें मोल से मास में कन्वर्ट करना है, यहाँ हमने मास से मोल में कन्वर्ट करा था, अब अगर हमें मोल्स गिवन है और उन मोल से हमें मास में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, मास को मोल्स को क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे. हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मास. यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ. अगर हमें मोल्स निकालने हैं तो क्या होगा, मोल्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन. हमें क्या गिवन होगा, गिवन मास, और डिवाइड किससे करेंगे हम, मोलर मास से, ठीक. ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन. अब अगर हमें मोल से मास पे जाना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास. सो दिस इज मीनिंग ऑफ दिस टू एरोस, ठीक है. तो ये आपके दो फॉर्मूलाज बन के, एक में हम क्या करते हैं, मास से मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एक में हम मोल से मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक. अब ऐसे ही दूसरा पार्ट है हमारे लिए कि अगर हमें पार्टिकल से मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो पार्टिकल से मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, जो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो हम एन अपॉन एन ए, यानी कि जो पार्टिकल्स हमें गिवन होंगे, हम उसे एन ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. इस तरह से हमारा थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा. फोर्थ फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें मोल से पार्टिकल की तरफ जाना है, यानी कि पार्टिकल्स निकालने हैं, तो पार्टिकल्स निकालने का क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन ए. तो हम ऐसे नंबर ऑफ आयंस, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कुछ भी फाइंड कर सकते हैं. तो इस तरह से हमारे ये चार फॉर्मूलाज बनते हैं. दिस इज अ शॉर्ट मेथड जिससे कि आपको ये कभी भी न्यूमेरिकल्स करते वक्त आपको ये मेथड अगर याद रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स को बहुत ईजी निकाल सकते हो, ठीक. सो आई हैव रिटन द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम. अब आपको यहाँ पे गिवन क्या है, मोल्स, यानी कि एन आपको गिवन है. यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, मास, ठीक. तो जैसे मैंने बताया, अब हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें मोल्स गिवन है, फाइंड क्या करना है हमें, मास. तो हम किधर से मूव करेंगे, हम मोल से मास की तरफ मूव करेंगे, ठीक है. तो मोल से मास की तरफ मूव करने का मतलब है कि आपका, अगर हम इसको पहले ऐसे लिखें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, स्मॉल एम से कनेक्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक.
अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मास और ऑक्सीजन का एटम का मोलर मास, यानी कि एटम का मोलर मास क्या होगा ऑक्सीजन एटम का, डेट इज 16 grams, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मोलर मास की बात कर रहे हैं और मोलर मास क्या होता है, मोल फॉर वन मोल ऑफ एटम इन ग्राम्स, ठीक। तो अब 16 का मोलर ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होगा, 16 ग्राम, यहाँ हम लिख लें 16 ग्राम, फाइन। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत है, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब उसमें गिवन क्या था, हमें मास हमें फाइंड करना है, मोलर मास हमें पता है कि ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होगा 16, अब एटॉमिक मास नहीं है मोलर मास है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, ग्राम्स, ठीक। और दूसरी चीज़, हमें नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है यहाँ पे गिवन है, तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 0.2 इज इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय 16, दैट इज ग्राम्स। तो यहाँ से अब हम मास निकाल सकते हैं, तो मास क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल्स टू 0.2 into 16, हमने यहाँ से डेसिमल हटा दिया, तो ये आपका हो जाएगा 16 को जब आप पूछे करोगे दैट इज 32 divided by 10, दैट इज 3.2 grams, मेरे पास स्पेस कम है, सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइन। देखिए यू हैव टू डू यू कैन से प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई ओनली देन यू कैन डू दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन यहाँ पे आपको क्या गिवन है, अगेन हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास ही कैलकुलेट करना है, सो सेम क्वेश्चन में ऐसा ही है, ठीक है। नाउ दिस टाइम पहले हमारे पास क्या था, ऑक्सीजन एटम, दिस टाइम वी हैविंग द वाटर मॉलिक्यूल, फाइन। सो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कितना होगा मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज 18 grams, ठीक है। मोलर मास तो आप निकाल सकते हो ना वाटर का, कैसे होता है, H2 2 into 1 plus 16, तो कितना हो जाएगा 18, दिस इज द मोलर मास ऑफ वाटर, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, अगेन मास फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएं, आप शॉर्ट फॉर्म में m इज इक्वल्स टू m अपॉन मोलर मास, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इनमें वो चीज़ फिल कर दो जो हमें गिवन है, गिवन क्या है हमें, मोल्स गिवन है, तो हम पहले मोल्स के लिए फाइंड करेंगे 0.5, फाइंड क्या करना है हमें, मास को फाइंड करना है, तो इसे हम ऐसे रहने देंगे, मोलर मास कितना है 18, तो यहाँ से हम मोल्स मास को कर सकते हैं डिफाइंड, दैट इज डिवाइडेड बाय 10 into 18, तो ये कितना हो जाएगा, आपने डेसिमल हटा दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, अब 18 को 5 से करेंगे तो 8 5 40 9 उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कन्वर्ट इंटू मोल्स। अब यहाँ पे आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए अगेन हमारे पास क्या फॉर्मूला है, दिस इज द कॉमन फॉर्मूला, ठीक। अब यहाँ पे हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें गिवन क्या है, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन का मास गिवन है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, दैट इज क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, तो ऑब्वियस है गैस फॉर्म में एक ऐसे एग्जिस्ट करेगी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। तो अब अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन गैस, तो गैस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, दैट इज O2, तो O2 का अगर हम 16 into 2 करेंगे तो दैट इज 32 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। अब हमें गिवन कितना है मास, 12 divided by 32, ठीक है। तो अब आप जब इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद द आंसर इज 12 को 13 से, तो डेट इज 12
24 by 3 6। तो अगर हम 12 पे टेबल से करें या हम दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर हम 2 पे टेबल से करते हैं 2 6 1 6 16। ठीक है, अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये राउंड अबाउट आपका आंसर आ जाएगा, डेट इज 0.037 समथिंग, डेट इज मोल्स, क्योंकि हमें इसमें कन्वर्ट करना था मोल्स। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन की तरह ही सेम नीचे वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो मोलर मास ऑफ CO2 कितना होगा, 44 ग्राम्स। ठीक, अगेन नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे हमें गिवन मास कितना है डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास इज 22, मोलर मास इज 44। तो सीधा आप इसको 11 के टेबल से करें यहाँ पे सीधा 1/2, तो ये आ जाएगा 0.5 मोल्स। सो इन दिस वे यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फाइन, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, सो आई विल सेंड सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द, आई विल सेंड द असाइनमेंट बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स, सो प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ द असाइनमेंट। राइट, ओके, थैंक यू।